छोटी छोटी मगर बड़े काम की बातें महिलाएं जरूर सुने। जो औरतें बूढ़ी नजर आने लगे वो अनार के रस में दही मिलाकर पी लिया करें, जवान नजर आने लगेंगी। अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा ले, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। जिन लोगों को कमजोरी की दिक्कत होती है वो दूध में इलायची के दाने डालकर पिए, कमजोरी जल्दी दूर हो जाएगी। सीने में दर्द की दिक्कत हो तो अजवाइन की धुनी ले, जल्द दर्द में आराम मिल जाएगा। रात की बची हुई रोटियों को फेंकने की बजाय उन्हें सुबह खा ले, बासी रोटी खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती हैं उन्हें कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होती। गर्दन पर तेल की मालिश करने से हर किस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं आती। नीम के पत्तों का रस पी लेने से पेट में कभी भी कीड़े नहीं होते और पेट हमेशा साफ रहता है। भुने हुए चने खाने से शरीर में ताकत बढ़ती है। गाजर का मुरब्बा सुबह खाली पेट खाने से दिल सेहतमंद रहता है। सुबह के वक्त खीरा खाने से दिल की धड़कन सही चलती है। रात के वक्त ज्यादा खाने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है। गुलाब के फूल की पत्तियों को चबाने से दांत चमकदार रहते हैं। जो औरतें हमेशा बैठकर झाड़ू पोछा लगाती हैं उन कमर दर्द की परेशानियां नहीं रहती, साथ ही मोटापे की बीमारी भी दूर रहती है। जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट एक टमाटर खाने से बाल कभी भी सफेद नहीं होते। रोज सुबह टहलने से याददाश्त तेज होती है। 10 मिनट कच्चे पपीते का पेस्ट सर में लगाएं, बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे और डैंड्रफ भी कभी नहीं होगा। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस डालकर पिए, सर दर्द में जल्दी आराम मिल जाएगा। सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना गर्म करके बालों में मालिश करने से बाल हमेशा काले और घने रहते हैं। रात और दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा लहसुन खा ले, वजन तेजी से कम होगा। गर्मी से निजात पाने के लिए सत्तू का शरबत पिए। खजूर खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए, इससे हाजमा बिगड़ सकता है। चेहरे पर फुंसी और दाने हो जाएं तो बर्फ लगाए। आंसू रोकने से सरदर्द और ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।